तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को शॉर्ट में पारितंत्र भी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है आज। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके तहत भौतिक पर्यावरण और विभिन्न जीवों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उनका हम अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के तहत। जबकि अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जो पूरा पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी से तंत्र है, जिसमें जलीय पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण ये सभी मिलके और वायुमंडलीय पर्यावरण ये सभी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम बनाते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में और चीज़ जान लें कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हिकल के द्वारा किया गया था, जबकि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1835 ईस्वी में सर आर्थर टॉन्सले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, और मतलब ये यूनानी भाषा के दो शब्द ओकियोस और लॉगस इससे मिलकर बना है। तो ओकियोस का मतलब होता है वास स्थान और लॉगस का मतलब अध्ययन, यानी कि जिसमें भौतिक पर्यावरण और जो जितने भी जीव हैं उनके वास स्थान। अब चूँकि वास स्थान से तात्पर्य जब जहाँ पे आदमी रहता है उससे होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। और जीवधारी जो होते हैं और जितने भी इनका समुदाय होते हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे ये एक साथ निवास करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी कि एक विशेष क्षेत्र विशेष में सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो या तो बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है। अगर हम बहुत बड़े की बात करें तो पूरे विश्व को हम एक मान सकते हैं कि पूरे विश्व का पारितंत्र, ठीक है। और उससे थोड़ी छोटी की बात करें तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जो समुद्री तट का पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बात कर लें। मध्यम आकार की हम बात करें तो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र या कुआं का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। या फिर अगर हम सूक्ष्म स्तर के इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर जीवाणुओं के द्वारा निर्मित आंत्र नली में पाए जाने वाला छोटे स्तर का पारितंत्र। और ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में यानी हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, और ये जीवाणु कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर में प्रोबायोटिक आहार से मिलता है। प्रोबायोटिक आहार यानी कि जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, क्या है? दही। तो दही खाना मतलब हमारे लिए वैसे ज़रूरी भी है, और इसी के थ्रू हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु आते हैं। और ये भी है कि ये जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं ये अपने लिए आहार हमारे शरीर के उस भाग से ग्रहण करते हैं कि जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता। तो ये जीवाणु हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र के अंतर्गत जितने भी जीव हैं सभी अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों पर, क्योंकि पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं। उत्पादक ऐसे कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और उनको अन्य जानवर खाते हैं, और उत्पादक को ही हम भी खाते हैं सब्जी या खाद्यान्न के तौर पर। तो अब हम पारितंत्र के घटक की बात कर लें तो पारितंत्र के दो घटक हैं। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो घटक हैं, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। तो जैविक घटक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूहों को शामिल किया जाता है, तथा इनके विशेष समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण के संबंध पाए जाते हैं। तो ये हो गया जैविक घटक। और अजैविक घटक की बात करेंगे तो उससे पहले जैविक घटक पर ही चर्चा कर लें। तो जैविक घटक के तीन प्रकार होते हैं, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। तो अगर हम उत्पादक की बात करें जिन्हें कि प्रोड्यूसर कहा जाता है, तो
उत्पादक के अंतर्गत जितने भी हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ ये सभी शामिल होती हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। साथ ही साथ इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, जबकि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बनाते। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और इसीलिए पेड़ पौधों को मूल उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि वे सभी जीव जंतु को शामिल किया जाता है जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों पर आश्रित रहता है। और ये तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। और उपभोक्ता की श्रेणी में कुछ अन्य हैं जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता में ऐसे सभी जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो कि शाकाहारी होते हैं, और इन्हें ही प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और ये अपना भोजन जो है मूल उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो गाय, बैल, बकरी, खरगोश, हाथी, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े वगैरह, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। इसके बाद द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता की अगर हम बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता की, तो इसके अंतर्गत ऐसे मांसाहारी जीव आते हैं जो कि अपना भोजन शाकाहारी जीव जंतुओं को खाने से प्राप्त करते हैं। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं मेढक, मछली, झींगुर, छिपकली, चिड़िया, ये सभी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। इसके बाद अगर हम तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे मांसाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे मांसाहारी जीवों पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो सांप, बाज और बाघ को इसमें लिया जा सकता है। अगर हम सांप की बात करें तो जहाँ ये दूसरे मांसाहारी जीव मेंढक को खाता है वहीं बाज सांप को खा जाता है, ऐसा होता है। और तृतीयक उपभोक्ता की बात ही हम कर रहे थे, तो तृतीयक उपभोक्ता के बाद एक अन्य जो है उसमें परजीवी आते हैं, परभक्षी आते हैं, सर्वभक्षी आते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता में ही, अगर हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें, तो तृतीयक उपभोक्ता में ही एक उच्च मांसाहारी जंतु आ जाते हैं जिसे टॉप कॉर्निवोरस कहा जाता है, जिनके जो कि अन्य जानवरों को मारकर खाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी मारकर नहीं खाता। उदाहरण के लिए शेर, चीता यानी कि शेर यानी कि बाघ, चीता और मगरमच्छ, ये उच्च मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, अब हम उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों की बात करें तो इनमें आते हैं परजीवी, परभक्षी और सर्वभक्षी। तो परजीवी यानी पैरासाइट्स, और परभक्षी प्रीडेटर्स, और सर्वभक्षी की बात करें तो ओमनिवोरस। तो परजीवी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे उपभोक्ता जीव होते हैं जो कि दूसरों जीवों पर आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मनुष्यों के शरीर के पाचन तंत्र में पाए जाने वाला जो कृमि होता है वो परजीवी की श्रेणी में आता है। परभक्षी की बात कर लें तो इसमें पारितंत्र में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि अन्य जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। और द्वितीयक और तृतीयक क्रम के जो उपभोक्ता हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अगर हम सर्वभक्षी की बात करें तो पारितंत्र में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि शाकाहारी तो होते ही होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। यानी कि ऐसे सर्वभक्षी में जो होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण मनुष्य खुद है, उसके बाद कुत्ता है, बिल्ली है और कौआ, ये बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद जो तीसरा है वो है अपघटक, है ना, जैविक घटक का जो तीसरा प्रकार है वो है अपघटक। तो अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, इसकी हम बात करें तो मृतोपजीवी, जीवाणु, कवक आदि, ये सब अपघटक के श्रेणी में आते हैं जो कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और अपघटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो अपघटक होते हैं तो ये अपघटक पदार्थों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, साथ ही साथ उनको विघटित करके छोटे और सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस आदि तत्वों में बदल जाते हैं और
ये तत्व जो होते हैं अपघटक के द्वारा बाद में पृथ्वी या वायुमंडल मुक्त हो जाते हैं और जिसे ग्रहण करके पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करने में उपयोग करते हैं। तो अपघटक का कार्य पृथ्वी को साफ रखना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में है तो इसमें जितने भी जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपघटक, ये संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक की, जो तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो भौतिक घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी या आर्द्रता, इनको शामिल किया जा सकता है। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो जल और जितने भी तत्व हैं वो और वायु, ये इसमें शामिल हैं अकार्बनिक पदार्थ में। जबकि अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि जो पेड़ पौधा का पत्ता जब गिरता है और ज़मीन पे आके जो एक उसका लेयर बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, वो हो गया ह्यूमस। और यूरिया खाद, ये सब कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण हैं, यानी कि अजैविक घटक के तहत। ठीक है, अब एक टर्म्स आता है, हम उस पर भी चर्चा कर लें, वो है पारिस्थितिकी उत्पादकता। तो पारिस्थितिकी उत्पादकता की अगर हम बात करें तो जैव भार जो उत्पादन की दर होती है उसको उत्पादकता कहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, वो उसे ही हम उत्पादकता कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा होता है द्वितीयक उत्पादकता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पारिस्थितिकी उत्पादकता की दर है वो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती जाती है। उसका वजह यह है कि विषुवत रेखा पे सूर्य प्रकाश और सूर्य प्रकाश के साथ साथ जल की मात्रा भी पर्याप्त है, इसके लिए यहाँ पे पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है ज़्यादा है। जबकि ध्रुवों की ओर जैसे बढ़ते हैं, इन सब की मात्रा, सूर्य ताप की मात्रा और प्रकाश की अवधि, ये सब घटता जाता है, इसके लिए पारिस्थितिकी उत्पादकता कम होता जाता है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।